आपको कभी काम सताए तो राम राम राम, फिर अपने बिस्तर पर तकिए पर मुन्ना की माँ याद आती हो अथवा कोई लवर याद आती हो तो माँ को याद करके पेन से नहीं, बॉल पेन से नहीं, उंगली से माँ का नाम लिख दो और राम राम जप कर सो जाओ तो काम विकार में शांति आएगा। दूसरा भी एक मंत्र है जो ब्रह्मचर्य संयमी बनाता है, काम विकार में रक्षा करता है, सपन दोष की बीमारी को दूर करता है, हस्त मैथुन की आदत को नियंत्रित करता है। वो मैं मंत्र बताता हूँ, तुम जपेगा तो रक्षा होगा। कितना भी धार्मिक बनो लेकिन संयमी नहीं है तो धर्म का शक्ति ऊपर के केंद्र में नहीं आता, फिर नीचे चला जाता है। तो बापूजी और बेटे जी में इतना ही अंतर है। बापूजी कैसे बनते हैं कि जो जप तप करते हुए ऊर्जा ऊपर के केंद्र में आती है तो बापूजी हो गए, और नहीं तो नीचे के केंद्र में आता तो फिर करते रहे जिंदगी भर। ये मंत्र एक शब्द का है, 21 बीज मंत्र है, जैसे ओम एक है बड़ा ताकत रखता है, ऐसे 21 मंत्र है एक एक, अब वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जनरेटर खट 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 करता है, टीवी भी चलती है, गीजर भी चलता है, फ्रिज भी चलता है और पंखा भी चलता है खट 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 से, ये मंत्र है घम 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 घम। ये मंत्र जप करने से काम विकार में आराम मिलता है, विकारी जीवन से रक्षा होती है। घम 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 घम, थोड़ा देर जप करो और ललाट में इस मंत्र राज को देखो। ओम घम 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 घम, हमारे विकारों में शांति हो। ब्रह्म स्वरूप ऋषि, परमात्मा स्वरूप देवता, सिद्धिदायक घम मंत्र हम प्रणाम करते, ऐसा प्रार्थना करके फिर जप करो। ओम घम 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 घम। इसको पक्का करना है तो जीभ ऊपर तालू में लगा दो और मन में बोलो, बिल्कुल पक्का हो जाता है। जब भी कुछ पक्का करना है तो जीभ ऊपर लगा के फिर मन में करो तो पक्का। ऐसे बच्चे भी अच्छे परीक्षा में पास हो जाते। कैसा टेक्निक मिलता है, सत्संग में बहुत ज्ञान मिलता है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए।